गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग मॉर्निंग. प्लीज प्लीज बैठिए 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 प्लीज. मिस विधि, मेरे कैबिन में आ सकती हो तुम? ओके सर. थैंक यू. कम कम कम. सर आपने बुलाया कुछ? हाँ, काम. सर कुछ कुछ काम था? हाँ राइट, काम था. मुझे मुझे तुम्हें कहना था कि तुम नोटपैड पे वो कर लो, मुझे लेटर एक ड्राफ्ट करो. तुम, मैं बताता हूँ, तुम लिखते रहना, ठीक है? सर I'm sorry, लेकिन वो कनिका मैम के साथ मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो इज इट ओके अगर अनाया आके लेटर लिखते? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है, मैं चाहता हूँ कि तुम ही लिखो. इट्स ओके, मैं कनिका से बात करूंगा. आई डोंट थिंक शी शुड हैव अ प्रॉब्लम. ओके सर. मैं देव रायचंद, मैं पर्सनली आपसे कहना चाह रहा था और दिल से भी कहना चाह रहा हूं, दोनों पर्सनल भी कहना चाह रहा हूं और दिल से भी, ये दोनों लिखना, ठीक है? जो भी हुआ है वो मैं कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाया. बताना जरूरी लेकिन, क्योंकि आपका हक है जानने का, तो इसलिए मैं आपको जरूर बताना चाह रहा था. कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से नहीं बता पाया. अचानक कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से मैं बोल ही नहीं पाया. और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं नहीं बोल पाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये डिलेमा मजबूरी टाइप कुछ मजबूरी आपको मेरी समझ आएगी. इसीलिए मुझे ये हार्श डिसीजन लेना पड़ा. ये भी लिखना, जिस तरीके से आप तक ये बात पहुंची है वो नहीं पहुंचनी चाहिए थी, वैसे वो गलत है, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं. सही लेटर किसके लिए? आई होप आप मुझे माफ करेंगे, देवराज चंद. सही लेटर किसके लिए? विधि एक्चुअली मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वो एक्चुअली विधि को अभी निकलना पड़ेगा, कनिका मैम के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो विधि को अटेंड करनी है. मैं आए? हाँ हाँ प्लीज. कभी शब्द साथ नहीं देते, कभी वक्त, कैसे समझाऊं तुम्हें.